सबूत है तुम्हारे पास? कि तुम जो कह रही हो वो सच है? चुप क्यों हो गई हो, बोलो। औरत के पास वाहिद सबूत उसका निकाह होता है। हमारा निकाह सबूत है इस बात का, और निकाह नामा है मेरे पास। अब जो वहां हो रहा है उसका अंजाम क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन फिलहाल तो हम उनसे महफूज रहेंगे। तुमने मेरे घर में नकब लगाई? मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो इतरीस ने कहा था कि उसने तलाक दे दी अपनी बीवी को, अकेला हूं मैं। और तुमने इनकी बात पे यकीन कर लिया? मुझे लगा कि हालात से तंग आया हुआ एक शख्स है, पिसा हुआ शख्स है, इसे जरूरत है एक सहारे की। इनका पिसना तो अभी बाकी है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। तुम्हारे वालिदैन कभी खुद चक्कर लगाते, कभी पुलिस को उठा के ले आते। भाई सुकून से रहो, पूरे खानदान का तुमने नाक में दम कर दिया। जो खुद सर से पैर तक इखलाक की बीमारियों का शिकार, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कब ठीक होऊंगी। I'm really thankful तुमने अपने बाप के सामने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। अच्छा इधर इधर आओ। अरे इधर क्या कर रहे हो? ये देखो क्या कर रहे हो? ये मेरे नाम का फर्स्ट लेटर है, डी, डी फॉर दानिश। ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। तुम्हारे जहन में रहूंगा तो दिल में भी उतर जाऊंगा। नहीं क्रिकेट से भी तेज रंग बदलते हो। क्या समझती है तू खुद को, हैं? किस बात पर इतना इतराती है? बाप ने तुझे घर से निकाल कर फेंक दिया, हमारे सर पे मंड दिया, शोहर तुझे मुंह नहीं लगाता, दुनिया तुझ पे थू-थू कर रही है, चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाए मत, बढ़िया बहुत कर रही है। ये क्या कर रही हो? तेरा साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। अरे जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। सुल्तान तुम मुझे बर्बाद कर दी। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है? और वो भी इतने दिन से? इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? खुशामदीद, लगता है ये हवाएं भी तुम्हारे चांद चेहरे के दर्शन करती है। तुम्हारे आते ही चल गई। बकवास बंद करो अपनी और मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये आखिरी बार है, आखिरी बार मैं तुम्हें फाइज का सुकून और उसकी खुशी की कीमत देने आई हूँ।
और एक और बात बता दूं तुम्हें कि अब मैं परवाह नहीं करूंगी तुम्हारी गलत बात और तुम्हारे गलत इल्जाम का नतीजा क्या होगा, क्योंकि मुझे अपनी नहीं फाइज की परवाह है। जिस जाल में वो फंसने वाला है वो इस काबिल रहेगा नहीं कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। अच्छा, अरे भाई हमें भी तो पता चले ये कौन सा जाल है। सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनीम जी, मेरी जान, वो मुझे मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है और कुछ बिल्स वगैरह पे करने हैं, तो वो जो मैं तुम्हें पैसे दिए थे रखने के लिए वो जरा मुझे ला दो। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। से पता नहीं कहां से फायर शुरू हुई। मैंने भी आगे से फायर किया लेकिन जब गोली मेरे बाजू पे लगा तो फायर करने का काबिल नहीं रहा। फिर मैं क्या करती, खुद को देखता, दुश्मन के पीछे जाता या पामीर का जान बचाती। हम अपना बच्चे को उस वक्त तक दफनाएगा नहीं जब तक हमने उसका कत्ल को अपने हाथों से कत्ल नहीं किया। बाबा हम लाला का सामना नहीं कर पा रहे, हमारा होते हुए हमारा पामीर मारा गया, लानत है हमारा जिंदगी पर। जब तुम लोग को बोला था कि बच्चा लोग को अकेला नहीं जाने देना है फिर कैसे चला गया वो लोग अकेला? फिर साजिद खान ने तुमको मना किया था कि पामीर को लेके अकेला मत जाओ, तो क्यों गया था तुम? ये बात तुमने कितने लोगों को बताया साजिद खान? किसी को भी नहीं बताया खान से, ये बात किसी को कैसे बताता? और ये तुमने बहुत अच्छा किया किसी को नहीं बताया। अभी हम तुमको इस तकलीफ से आजाद करते हैं।